वेलकम वेलकम. थैंक यू शोएब. थैंक यू बच्ची. खेल की बात करूंगा मैं अभी रियो को लेके. अपने देश में बहुत लोग बोल रहे हैं रियो में इंडिया खिलाड़ी के कर रही है. खिलाड़ी बैठे बस सेल्फी ले रही है, खा पी रहे हो, सो रही है, बैठे जाके इंजॉय कर रही है. रियो में खिलाड़ी क्या कर रही है. फिल्मों की अगर बात करें तो कुछ फिल्म स्टार्स इतने भाग्यशाली हैं, इतने लकी हैं कि एक शब्द से हिट हो गए. जैसे शक्ति कपूर आओ, शत्रुघ्न सिन्हा खामो, अमिताभ बच्चन हाई, अनिल कपूर झका. मगर एक हीरोइन है वो बोली मैं एक शब्द का भी सहारा नहीं लूंगी, मैं अपने दम पे हिट हो जाऊंगी. वो है सनी लियोनी. उसने बस इतना किया जमाना इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है. दीवार फिल्म अगर आज बनती तो उसके सीन की हालत क्या होती. एक सीन आपको याद होगा जब शशि कपूर अमिताभ बच्चन दोनों ब्रिज के नीचे मिलते हैं. अगर ये फिल्म आज बनती तो क्या होता. वाह. क्या हुआ थे रवि, तुमने मुझे अचानक इस ब्रिज के नीचे क्यों बुलाया. माल करते हैं भाई. आज मुझे पुलिस की ओर से एक फाइल मिली है. इन मोहल्लों का नाम है जो काले धंधे करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, और इसमें से एक नाम तुम्हारा भी है भाई. इधर 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 ये इधर देखो. एक इधर मैं हूं, एक यही तुम हो. आज तुम कह रहे कि मैं कब पहुंच गया. आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज है. क्या तुम पास बना है, पूछा क्या है तुम्हारे पास. भाई मेरे पास भी बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है. हाँ अरे तो माँ किधर है. भाई माँ ने दूसरी शादी कर ली. अब माँ के पास भी बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी. आज क्रिकेट फिल्म स्टार्स भी खेलते हैं, पॉलिटिशियन भी खेलते हैं. इन्होंने अपनी अपनी लीग बना रखी है. कोई देखने आए ना ये लोग खेलते हैं. तो मैंने एक ऐसा मैच सोचा है जिसमें सारी लेडीज खेल रही हैं. आहा. और सारी जो महिलाएं हैं ये सब सेलिब्रिटीज हैं अलग अलग फील्ड की. इनका मैच होगा तो कैसे होगा. कमेंट्री. इस समय मैं देख रहा हूं 75,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 1.5 लाख दर्शक रात से पहुंच चुके हैं और बहुत ही सेक्सी और रोमांचकारी मैच को देखने के लिए सारे दर्शक यहां पर विराजमान हो चुके हैं. सुबह के वक्त हरी भरी ग्राउंड में बहुत हरी भरी फूली हुई फील्डिंग लगाई गई है. मैं देख रहा हूं कैप्टन जयललिता इस समय मायावती से कुछ बातचीत करती हुई. कैप्टन जयललिता शायद सारी प्लेयर्स को एक एक साड़ी तोहफे में देना चाहती है. अंपायर ने उनको मना किया जबकि शीला दीक्षित को मिड ऑन से मिड ऑफ की तरफ बुला लिया गया है. जबकि मैं देख रहा हूं राबड़ी देवी जी की लॉन्ग ऑन पे खड़ी थी लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है. बहुत शानदार फील्डिंग फूलन देवी के ठीक सामने मैं देख रहा हूं किरण बेदी को लगा दिया गया है. इसी में देख रहा हूँ फाइन लेग पर करीना कपूर खड़ी हुई है जबकि लॉन्ग लेग पर मैं देख रहा हूँ दीपिका पादुकोण को खड़ा किया गया है और शॉर्ट लेग पर जैकलिन फर्नांडिस खड़ी हुई है. हमेशा की तरह गली में राखी सावंत पूनम पांडे को खड़ा किया गया है. लोगों में काफी उत्साह और इसी बीच में देख रहा हूँ तालियों के बीच दोनों ओपनर बैट्समैन ग्राउंड में आती हुई प्रियंका चोपड़ा और प्रियंका गांधी दोनों ने पोजीशन ले ली है. मैं देख रहा हूँ दोनों अपने अपने छोरों की तरफ जाती हुई और अपने अपने छोरों से बात करने के बाद छोरों को वापस भेज दिया है और पोजीशन ले ली है. और इस बीच मैं देख रहा हूँ मलिका शेरावत जो कि डीप मिड गली में थी अंपायर के कान में उन्होंने कह दिया है सीधे अंदर आओ राजा कुंडी ना खटकाओ राजा. और दूसरी अंपायर के कान में सनी लियोनी ने कह दिया है भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा कभी मेरे साथ कोई रात गुजार. और इस समय मैं देख रहा हूँ बहुत शानदार फील्डिंग लगाई गई है. पहला ओवर फेंकने के लिए सनी लियोनी को बुलाया गया है. सनी लियोनी की ये गेंद और बहुत खूबसूरत मरीन ड्राइव किया है. श्रद्धा कपूर पॉइंट पे खड़ी हैं. श्रद्धा कपूर ने भाग के नरीमन पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया है और कोई रन नहीं. शानदार खेल का प्रदर्शन. इस समय मैं देख रहा हूँ सनी लियोनी बहुत अच्छी डिलीवरी दे रही है जबकि उनकी अपनी खुद की एक भी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है.
नर्स को बुला लिया गया है, नर्स ताकि किसी भी डिलीवरी का सामना कर सके। इसी में देख रहा हूँ बैटिंग के लिए कंगना रनावत को बुला लिया गया है और कंगना रनावत के लिए सनी लियोनी दौड़ना शुरू किया। सनी लियोनी की ये गेंद, कंगना रनावत ने ड्राइव किया, सुंदर ड्राइव किया। आलिया भट्ट उसके पीछे भाग रही है, दो बार लौंडों के साथ भी भाग चुकी है। आलिया भट्ट बॉल के पीछे भागती हुई, यहाँ के दो लौंडे आलिया भट्ट के पीछे भागते हुए, आलिया भट्ट ने बॉल को उठा लिया है, लौंडों ने आलिया भट्ट को उठा लिया है। इस समय देख रहा हूँ 1.5 लाख दर्शक इस समय काफी रोमांचक मैच को देखते हुए। ऐतिहासिक मैच पहली बार हो रहा है, पाकिस्तान से रेशमा को बुला लिया गया है। रेशमा को जैसे ही पता चला T20 मैच है, वो 20 चाय लेके ग्राउंड में आ गई है। मैं इस समय देख रहा हूँ आप बॉलिंग करने के लिए सोनम कपूर को बुलाया गया है, और सोनम कपूर और जबकि सामने बैटिंग करने के लिए सोनाक्षी सिन्हा पहुंच चुकी है। सोनाक्षी सिन्हा ने स्ट्राइक लिया सोनम कपूर की, ये बॉल, अंपायर ने कहा सोनम नो बॉल। इस बीच सोनम कपूर की ये बॉल, और इस बार बहुत तेजी से उठा दिया है, बहुत ज्यादा उठा दिया, लोग कह रहे हैं इतना तो नहीं उठाना चाहिए। उस बॉल के नीचे मैं देख रहा हूँ सेलिना जेटली भाग रही है, सेलिना जेटली ने कैच पकड़ने के लिए घाघरा उठा दिया है लेकिन कैच ड्रॉप हो गया है। एक बार फिर से कंगना रनावत ने पोजीशन ले ली, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत ड्राइव किया, उसके पीछे फील्डर भाग रही है, लेकिन इस बीच कंगना रनावत ने एक रन लिया, दो लिया, चौथा पांचवा रन ले लिया। कंगना रनावत रनआउट, रनआउट कंगना रनआउट, रनआउट 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 रनआउट। और इसी के बीच में देख रहा हूँ ड्रिंक्स मैदान में, इसमें दारू वाली आंटी सारी हर तरह की दारू लेके ग्राउंड में पहुंच चुकी है। लिपस्टिक पाउडर, बिंदी और बाली वहां पहुंचा दी गई है, सारी प्लेयर अपनी अपनी मैचिंग से लिपस्टिक पाउडर लगाती है। इस बीच में देख रहा हूँ गुत्थी गुत्था हो रहा है, पूनम पांडे ने राखी सावंत से कहा अपने आपको क्या समझती, व्हाट डू यू मीन, अपने औकात से नहीं समझा क्या, राखी सावंत अपने आपको मत ऐसे समझ, तो क्या हो गया, तो क्या करेगी, कर्म जली सत्यानाश जाए तेरा, झूठा पकड़ के झुठा दो सत्यानाश जाए तेरी चोटी पकड़े, तो क्या कर रहा है कम्बक से मारे। इस समय दोस्तों हालात काफी बिगड़ रहे हैं, मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ, जिससे पहले यहाँ पुलिस आए मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं निकलना चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।